ऊर्जवं मारुततुल्य वेगं हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीराम एक बात प्रभु पूछमु तो ही कहु बुझाई कृपा निधि मोहि कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना सोई मुनि तुम सन कहेऊ गोसाई नहीं आदरे हु भगति की नाई ज्ञान ही भगति अंतर के सकल कहु प्रभु पालिकेता सुनि उरगारि वचन सुख माना सादर बोले उपाग सुजाना भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा नाथ मुनीस कहहि कछु अंतर सावधान सो सुनु विहंगवर ये सिद्धांत निश्चय किया ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा उभय हरहि भव संभव खेदा ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है दोनों संसार दुख को मिटाने वाले हैं। तो बात क्या है कि ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है समझो कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा इनकी ग्रंथि क्या है कि परस्पर का अध्यास यही ग्रंथि है। देह को आत्मा समझना और आत्मा को देह समझना ये जो समझ की भूल है भ्रांति है अध्यास है यही समग्र दुख का कारण है। तो ये कोई सच्ची चीज तो है नहीं क्योंकि जड़ और चेतन में कभी ग्रंथि पड़ नहीं सकती शक्य ही नहीं है पर मालूम पड़ती है। तो इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं कि जो चीज हो गए तो नहीं लेकिन मालूम पड़े विचार सिद्ध न हो पर मालूम पड़े उसका नाम अनिर्वचनीय होता है। तो उस ग्रंथि को नष्ट करने के लिए क्रिया से खोलना नहीं चाहिए क्रिया से वो नहीं खुलती वो ध्यान से भी नहीं खुलेगी वो समाधि से भी नहीं खुलेगी उसके लिए चाहिए प्रकाश। भले ही वो प्रकाश पैदा करने में क्रिया मददगार होवे भावना मददगार होवे ध्यान समाधि मददगार होवे लेकिन अंत में तो जब प्रकाश होगा तब ये बात दिखाई पड़ेगी कि जड़ और चेतन में सच्ची गांठ नहीं है। तो इसके लिए वस्तु का यथार्थ ज्ञान माने इस परिच्छिन्नता की ग्रंथि को खुलने के लिए अपरिच्छिन्न ब्रह्म का ज्ञान आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें दो बात हुए तो अपने बल पौरुष से तक जलाना और उसके प्रकाश में ये देखना कि गांठ नहीं है और एक ईश्वर का जो स्वतः सिद्ध प्रकाश है उस प्रकाश में ये अनुभव करना कि गांठ नहीं है। तो असल में फल ज्ञान वही है जो अविद्या को निवृत्त कर दे वो मणि का प्रकाश है कि दीपक का प्रकाश है दीप और मणि में तात्पर्य नहीं है तात्पर्य तो उस प्रकाश में है जो ग्रंथि को मिथ्या सिद्ध कर देता है जो ग्रंथि को काट देता है। तो त्वम पदार्थ की प्रधानता से जो प्रयत्न होता है उसको दीपक बताते हैं वो और तत् पदार्थ की प्रधानता से जो प्रकाश होता है उसको मणि बताते हैं।
तो इसलिए ज्ञान दीपक के प्रसंग का निरूपण करके अब भक्ति चिंतामणि के प्रसंग का निरूपण करते हैं। वेदांतियों में जो बहुत सारे मत हैं, जैसे सिद्धांत लेश में 44-45 प्रक्रिया वेदांत की लिखी हुई हैं। ये प्राचीन काल से ये वेदांत की प्रक्रिया चली जाते हैं। वेदांत दर्शन में भी काश कृत्स्न औदुलोमी आदि भिन्न भिन्न वेदांतियों के मत की समीक्षा की हुई है, और शंकराचार्य भगवान भी भिन्न भिन्न मतों की समीक्षा करते हैं। तो प्रक्रिया बहुत है, और शंकराचार्य के अनुयायियों में ही अनेक प्रकार की प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया तत्पदार्थ प्रधान होती है और कोई प्रक्रिया त्वम पदार्थ प्रधान होती है, और उसी के कारण ये भेद मालूम पड़ता है। तो अब कहते हैं कि ज्ञान सिद्धांत मैंने समझा करके कहा, अब भक्ति मणि की जो प्रभुता है, मैंने ज्ञान दीपक का वर्णन किया, और अब भक्ति मणि की प्रभुता सुनो। मैंने सिद्धांत तो ज्ञान ही है, ये जो तो ज्ञान सिद्धांत है, और भक्ति मणि की प्रभुता है, प्रभाव है। कई प्रभाव और सिद्धांत में भी फर्क होता है। भक्ति मणि में ये प्रभाव है कि उसमें विघ्न कम आते हैं, मददगार साथ है, हैं? और सिद्धांत बोले वही है, सिद्धांत तो एक ही होता है, दो थोड़े होता है। ज्ञान के विरुद्ध जो सिद्धांत होगा उसका नाम होगा अज्ञान सिद्धांत। आपका आपका ध्यान है कि नहीं, अगर ज्ञान सिद्धांत के विरुद्ध कोई सिद्धांत हो तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम अज्ञान सिद्धांत होगा। तो अज्ञान तो कभी सिद्धांत होता नहीं, सिद्धांत जब होता है तब ज्ञान ही होता है। अब उस ज्ञान सिद्धांत के अनुभव की प्रक्रिया जो है वो कोई तदाकार वृत्ति प्रधान होती है और कोई अनुसंधान प्रधान होती है। तो अनुसंधान प्रधान प्रक्रिया जीव के अधीन है, इसलिए उसको दीपक कहा है। और भावना प्रधान जो प्रक्रिया है तो वो ईश्वर के अधीन है, इसलिए उसको भक्ति कहा, मणि कहा। संकट हरण मंगल दूर सीता।